जय हिंद जय भारत। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल लाइफ की टोटल इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सीए फाइनल ऑनर्स व्यू एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आप अगर सीए फाइनल करना चाहते हो तो कर दे, जरूर देखें। सीए इंटर ऑनर्स व्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जरूर देखें। फाउंडेशन का ऑनर्स रिव्यू आने वाला है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में वीडियो आने वाली है। तो दो वीडियो हैं अभी पेंडिंग है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक फाउंडेशन के लिए कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहाँ से आप फाउंडेशन की कोचिंग ले सकते हो। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCS ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन कोर्स, उसके ऊपर भी फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो इंटर और चार तरह की ट्रेनिंग की वीडियो है, आर्टिकल शिफ्ट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे, उसकी वीडियो अभी आएगी, तो वो ओपन वीडियोस पड़ी होंगी। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको अकाउंटिंग की, उसके अलावा एक ICA की न्यू स्कीम की, और ये जो CA फाइनल के कौन से टीचर सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ऑनर्स रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला। लेकिन आज की जो वीडियो, ये जो हम बात करने वाले हैं, एक डार्क रियलिटी की बात करने वाले हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, क्योंकि सामने कैमरा है मेरे, मैं इधर देखता हूँ, सामने रिकॉर्डिंग दिखती है, कैमरा मेरे इधर है। तो अगर हम डार्क रियलिटी की बात करें, तो आज की डेट में आपको मालूम होगा कि जब नवम्बर 2023 का रिजल्ट आ गया था, जो कि जनवरी 2024 में आया था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो गई थी। जो प्लेसमेंट ड्राइव थी इंस्टीट्यूट द्वारा, वो करवाई जाती थी, और उसका स्मॉल सेंटर की प्लेसमेंट अभी चल रही है, मतलब इस महीने और आगे के 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी होता क्या है, जो CA बन जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जिनके अटैम्प्ट होते हैं। अभी अटैम्प्ट वालों को दिक्कत इसलिए आती है कि अटैम्प्ट वालों की शॉर्ट लिस्टिंग में आजकल दिक्कत आ रही है। पहले मैंने किसी से बात की थी, उन्होंने कहा ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, आती थी जिनके अटैम्प्ट होते थे, लेकिन आजकल CA फाइनल के, क्योंकि जॉब में जो अटैम्प्ट देखे जाते हैं वो CA फाइनल के देखे जाते हैं, इंटर के नहीं देखते, फाउंडेशन के नहीं। CA फाइनल फर्स्ट टाइम में या दो टाइम में, तीन टाइम तक मिनिमम, मैक्सिमम तीन टाइम तक आपकी हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रही, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे तो आपका इंटरव्यू की तो बात ही खत्म होगी। और एक तो ये पॉइंट है, तो मैं इंस्टीट्यूट से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये मतलब एक CA है जो जिसने अटेम्प्ट दिए हैं, क्या पता कोई और कारण हो, हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कोरोना पेंडेमिक आ गया था, उसके अलावा कुछ हैंड टू माउथ वाले बच्चे होते हैं जो कमाते हैं फिर CA करते हैं, तो ऐसे कई तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, मतलब एक जिसे बोलते हैं मैकेनिकल अप्रोच के ऊपर बात करना, कि जिसके अटेम्प्ट है उसको कुछ नहीं आता होगा या कम आता होगा, अटेम्प्ट के ऊपर, अटेम्प्ट के बेस पर किसी को जज करना, ये एक प्रैक्टिकल नॉनसेंस बात है जो आजकल के कॉरपोरेट कल्चर के, मुझे लगता है जो कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेट है, जितने भी कॉरपोरेट हैं जो कि CA को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट में वो अटेम्प्ट देखते हैं, सबसे नॉनसेंस जो बात मुझे लगी है कि किसी को एनालिस करना, किसी की CV की स्क्रीनिंग करना इस बेस पर कि उसके अटेम्प्ट ज्यादा है और उसको मौका ही ना देना इंटरव्यू का, ये सबसे बड़ी नॉनसेंस बात है आज के समय में। चाहे वो CA फर्म्स हो सकती हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री में MSME या कुछ भी हो सकते हैं, कि अटेम्प्ट के बेस पर किसी को जज करना, अगर अटेम्प्ट के बेस को किसी पर जज किया जाता है तो आप अटेम्प्ट फिक्स कर दो, जैसे UPSC में अटेम्प्ट फिक्स है, गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं कहीं एज लिमिट है, ऐसे अटेम्प्ट फिक्स कर दो, आप एज लिमिट फिक्स कर दो, ऐसा कर दो, तो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, कहां तक मेरी बात जाएगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट करके आपके नाम के आगे CA लग जाएगा, लेकिन वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आप कहोगे कि सर अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस भी अच्छा विकल्प है, ये भी एक अल्टरनेटिव है। लेकिन पहले मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले मैं सर्विस सेक्टर के ऊपर आज बात करने वाला हूँ, प्रॉपर सर्विस सेक्टर के ऊपर। तो सर्विस सेक्टर में आजकल यही चल रहा है, चलो ठीक है, ये भी हम कहते हैं
आपको मौका देना चाहिए, मौका तो एक बार देके देखो ना क्या है। उसके अलावा जो बंदा इंग्लिश पटर पटर बोलता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, चाहे उसको इंडिया का आई नहीं आता, कि उसको इंडिया से 115 116 की नॉलेज नहीं है, कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंडिया से 115 में क्या बातें लिखी हुई है पता नहीं है, बस उसको पटर पटर इंग्लिश बोलनी आती है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि उसको इंग्लिश पढ़ा, उसकी मातृभाषा में वो नहीं पढ़ा, ठीक है, जहाँ हिंदी आती होगी तो हिंदी वालों को भी नहीं वो देखते, मतलब जैसे कि हमारी मातृभाषा पंजाबी है और हम हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश हम पटर पटर नहीं बोल पाते, हम समझ लेते हैं, इंग्लिश में एग्जाम दिए हैं सभी भाई तो लिख लेते हैं, सभी जगह इंग्लिश में ड्राफ्टिंग चलती है इंडिया में, तो पटर पटर बोलना नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात की कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मतलब जिसको कुत्ते को डॉग कहना आ गया उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मतलब कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना, तो ऐसी अंग्रेज की इंटरव्यू पंजाबी में ले लें हिंदी में ले लें, क्या दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो ये दूसरा जो बर्डन डाल रखा है सभी के ऊपर, क्योंकि अगर हमने इंडिया में रहना है, इंडियन वर्क चलो ठीक है कि बाहर की काउंटिंग चलती है, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल जॉब के बाद इम्प्रूव होनी चाहिए, वो इम्प्रूव होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी, किसी घोड़े से बात करनी पड़ेगी, आपका सीनियर जो होगा अंग्रेज हो सकता है, यूरोपियन कंट्री में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी ही चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल टाइम के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया में इंडियन फर्म में काम करने वाले हो, इधर उधर जाने वाले हो, वहां हिंदी में बात होगी, तो ये मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आप मौका देकर देखो, आप देखो कि वो इम्प्रूव कर पाता है कि 6 महीने में साल में उसकी क्या प्रोग्रेस है, कैसे काम करता है, क्योंकि तो जब छोटे शहरों से आते हैं, गाँव से आते हैं, मातृभाषा में जिनकी स्टडी है, तो इनको ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है आज के समय में प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट में। और उसके बाद ऑन कैंपस इन्होंने 950 का एक एलपीए रखा है, जिसको सीटीसी भी बोलते हैं, कंपनी वालों ने एलपीए नहीं लिखा, सीटीसी दिया इंस्टीट्यूट, तो ये कम से कम रखा है, तो मुझे लगता है ये बहुत कम है 950 का, इतनी मेहनत की है तो आपको कम से मिनिमम 12 लाख का पैकेज मिलना ही चाहिए। तो अगर आप 1 लाख महीना होगा आपको, अगर वहां से कुछ निकाल दे, काट दे, कुछ कर दे, तो उसके अलावा आपके हाथ में 90 से लेकर 95 हजार तक, चलो 90 हजार तक आपके हाथ में आना ही चाहिए, 90 हजार की सैलरी होनी ही चाहिए। क्योंकि तो जब मैं सुनता हूँ कि इसने एमबीए किया है 1.5 लाख कमा रहा है, इसने एमबीए किया है 2 लाख कमा रहा है, तो हमारा खून खोल उठता है कि भाई हमारी सीए की डिग्री की वैल्यू क्या रहे, कि अगर एमबीए करने वाला 2 लाख 2.5 लाख कमा रहा है, क्योंकि इधर उधर हम देख रहे हैं, आज भी हमारे पेरेंट्स कहीं गए थे तो मैं कहा कि हमारा बच्चा दोस्त पता नहीं उसको टाइम ज्यादा हो गया होगा, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन 2.5 लाख आज के समय में एमबीए को मिल रहा है, तो क्या सीए वालों को प्रॉपर जो फ्रेशर होते हैं उनके 1 लाख महीना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, और उनमें से उनको प्रॉपर फैसिलिटी देनी चाहिए, उनका पीएफ वगैरह कंपनी द्वारा इकट्ठा होना चाहिए कि 12 लाख ये हो गया, बाकी उनकी जो साइड बाय साइड 2 लाख 2.5 लाख का जो इकट्ठा होगा जो कंपनी डालेगी और उसका डिडक्ट होगा वो अलग से होगा, तो वो भी मिलना चाहिए उसको। और उसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, क्वार्टरली बोनस, ऐसे बोनस मिलने चाहिए कि एक साल में दिखना चाहिए कि इसने अपना घर डाल लिया, घर लेने के काबिल हो गए, इसने अच्छी गाड़ी ले ली, लाइफस्टाइल अच्छा है, वह प्रॉपर तरीके की सोसाइटी में रहता है, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। तो अगर आप देख रहोगे तो मुझे तो हैरान की आती है, मतलब मैं तो चौंक जाता हूँ ये देखकर कि एक तो बिग फोर का एक्सपीरियंस हो, बिग टेन का हो, ये हो वो क्या है, मतलब बिग टेन में भी वही लो पड़ा है, अगर बिग टेन में भी इनकम टैक्स की रिटर्न वही भरी जाती है जो लोकल सीए के यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद भरी गई थी, कॉर्पोरेट जो उनका प्राइवेट कंपनी का जो काम है वो मॉडरेट फर्म में भी वही होता है, बिग टेन में, बिग ट्वेंटी में भी वही होता है, जो जीएसटी है उसमें जीएसटी आर वन भी वही भरते हैं, वहां भी वही, हाँ कंसेप्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बेस अच्छा नहीं होगा, आपको काम करके ही देगा वो कैंडिडेट। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, ऊपर से इंडिया में ऑल इंडिया एसोसिएशन होनी चाहिए, सीए मेंबर ऑल इंडिया एसोसिएशन इन सर्विस होनी ही चाहिए, और उनको इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि हर साल न्यू फ्रेशर का, तो फ्रेशर सीए है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 बार सीए आएंगे, तो दोनों टाइम पैकेज डिसाइड होना चाहिए कि क्या होना चाहिए और इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री नहीं डिसाइड करेगी, ये काम देने वाला
सर्विस सेक्टर में रहने वाला सीए डिसाइड करेगा, तो ये भी होना चाहिए। तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है यहाँ का कि जो बंदा काम कर रहा है उसको उसके काम का सही मूल्य नहीं मिल रहा। अभी हम लोग किसान तो है नहीं कि धरना डाल देंगे बैठ जाएंगे यहाँ पर जाकर, ना इतना पैसा है क्योंकि स्टडी इतनी मुश्किल से की है और ना हमारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन हमारे को यही चाहिए कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए सीए के लिए, तो सर्विस सेक्टर में भी हो प्रैक्टिस में भी हो। लेकिन पहले मैं सर्विस सेक्टर की बात करूंगा कि ये बात आप सभी के पास आनी ही चाहिए। ये जो मैं आज बातें कह रहा हूँ आपको पता होनी चाहिए कि कम से कम 12 लाख का पैकेज होना चाहिए, उसके अलावा अन्य तरह के बोनस उसको मिलने चाहिए। और जो सर्विस सेक्टर में सीए हो वो डिसाइड करेंगे कि इनको क्या आने वाले समय में कितना पैकेज देना है, कितना नहीं देना, क्या हमारा फ्रेशर पैकेज रहना चाहिए, क्या इंक्रीमेंट रहना चाहिए, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहने चाहिए। सीए के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस सेक्टर में है वो सीए डिसाइड करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो अभी ऑन कैंपस के बाद हम ऑफ कैंपस के ऊपर आ जाते हैं। ये तो ऑन कैंपस की बात हो गई, और एक हो गया कि ऑल इंडिया एसोसिएशन होनी चाहिए, और उसके बाद इसका एक जैसे कि एक ऑल इंडिया एसोसिएशन का पर्सन होना चाहिए, और जैसे हमारे रीजन है जैसे सेंटर है नॉर्थ है साउथ है ऐसे 8 या 6 जो भी है वहां पर बंदे होने चाहिए, और उसके अलावा स्टेट में जितने बंदे हैं उनका ऐसे करके होना चाहिए, उसके ऊपर एक बंदा होना चाहिए, और ये बात यहाँ तक पहुंचाए और ये आगे बात पहुंचाए। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए भाई, ऐसा सिस्टम होना चाहिए तभी आपका प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। वरना एक डॉक्टर 2 साल में प्रैक्टिस करके इतना एम्पायर खड़ा कर देता है, लग्जरी गाड़ी ले लेता है, और आप लोग वही के वही अकाउंटेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। वो फर्क आज के समय में आपकी लाइफस्टाइल, आपके पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, वहां से ही आपको पता लगेगा। तो चलिए अभी ऑफ ऑन कैंपस हमने देखा 950 का इन्होंने रखा है, और अटेम्प्ट का बीच में झमड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल का बीच में झमड़ा है, ठीक है, 12 लाख का पैकेज भी नहीं मिल रहा। और अगर हम ये तो चलो ऑन कैंपस है पर यहाँ प्लेसमेंट भी नहीं हो रही, शॉर्ट लिस्ट में ही हो रही सबसे बड़ी बात। तो अगर एक सीए ने इतनी स्टडी की है, उसने इंडेक्स पढ़ा है, उसने टैक्सेशन में जीएसटी इनकम टैक्स पढ़ा है, उसने कंपनी लॉ पढ़ा है, उसने एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, उसने ऑडिटिंग एश्योरेंस वगैरह का पढ़ा है, उसके अलावा उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर मार्केट उसको हर तरह की नॉलेज है। अभी आप उसका एक इंटरव्यू लो और उसको बताओ कि इस लाइन में जाना है आपको, इस तरह आपको क्वेश्चंस की ये डोमेन है, ऐसी आपको प्रिपरेशन करनी है, वहां से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर होता है अभी कंफ्यूजन ये रहती है कि इंडेक्स पढ़ ले इंटरव्यू के लिए, क्या डीटी का करे आईडीटी का करे, तो नए नए तरह की कंपनियों ने अपने ही नाम रख दिए सबका, बहुत ही बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है, और नए नए तरह के नाम रखे हुए जो एनालिस्ट है, एफआरटू पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए, मतलब काम के इन्होंने इतने नाम रख दिए। तो मुझे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो यूटी नहीं है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, सर्विस सेक्टर में जितने लोग हैं उनकी ऑल इंडिया एसोसिएशन कहाँ है, अगर है तो कमेंट में बताइए, हम जो यंग सीए हैं उनका अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, तभी हम सर्विस सेक्टर में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रह पाएंगे। अगर हम एक शहर से दूसरे शहर रिलोकेट होते हैं, कहीं अन्य जगह रहते हैं, तो वहां पर 25 से 30 हजार तो वैसे खर्चा है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है आज की डेट में, कि प्रोफेशन का सत्यानाश कर दिया है। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑफ कैंपस की, ये तो ऑन कैंपस की बात है, ऑन कैंपस में ये है तो ऑफ कैंपस में तो इससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क चल रहा है। तो उसके लिए आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सिस्टम को थोड़ा सा सेट कर दूं। ये वीडियो शायद आज लंबी चली जाए, लेकिन बातें कड़वा सच रहने वाली है। पहले तो इतनी मुश्किल से इतनी स्टडी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ऑन कैंपस कुछ नहीं हुआ, तो चलो ऑफ कैंपस में आ गए। तो ऑफ कैंपस में इतना बुरा हाल है कि 50 हजार से ऊपर मंथली कुछ देने वाला नहीं है,
और 6 लाख से लेकर 7 लाख तक का प्रेशर को पैकेज चलेगा। बताओ बताओ क्या कर लोगे जी, क्या कर लोगे? अगर आप ग्रेजुएशन की आपने, उसके बाद 6 साल, 5 से 6 साल अपने सीए में लगाए और ग्रेजुएशन की, यहाँ पर ग्रेजुएशन करके जो बच्चा वो कम वही काम कर रहा है और आपने सीए करके वो काम कर रहा है, तो ग्रेजुएशन वालों को भी, ग्रेजुएशन वाला आपसे 50,000 लाख ज्यादा ही पैकेज ले रहा है और आपको फ्रेशर में 6-7 लाख मिल रहा है। बताओ बताओ क्या कर लोगे? 6-7 लाख में क्या उखाड़ लोगे? लाइफस्टाइल आपका अच्छा नहीं होगा, आप घर के लिए पैसे कहाँ से जोड़ोगे? डे टू डे मेंटेनेंस के लिए आपके जो कपड़े पहने हैं, कब बड़े कंपनी में काम करोगे, आपके जो कपड़े हैं इतने महंगे नहीं होने चाहिए लेकिन थोड़े से ब्रांडेड तो होने चाहिए, तो कपड़े डाले अच्छे लगे, आपका लाइफस्टाइल वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, आप अपने पेरेंट्स का अच्छा ख्याल रख पाए। तो ये हाल है जी ऑफ कैंपस में, ये हाल है। और कैंपस में 950 का है तो इधर तो बेड़ा गर्क है, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। पता नहीं जो इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो कहाँ चले गए हैं, उनको ये बातें समझ क्यों नहीं आती कि अगर एक सीए बनता है, आप भी वो खुद सीए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, सरकारी ऑडिट लेने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो ऊपर लोग बैठते हैं ज्यादातर वही होते हैं सरकारी लिंक, गवर्नमेंट लिंक, पॉलिटिकल लिंक, और बड़े ऑडिट लेते हैं, वहां से अच्छी फीस चार्ज करते हैं। लेकिन भाई जो यंग सीए बन रहे हैं उनके बारे में भी सोच लो थोड़ा सा, साल में 3 बार एग्जाम तो आपने फाउंडेशन और इंटर के लिए कर दे, लेकिन जो जॉब्स है उसका क्या करोगे? देश की इकोनॉमी का तो बुरा हाल हो चुका है। चलो अभी हम आगे, और कैंपस में हो गया, ऑफ कैंपस में मतलब ये देख लिया कि सर्विस सेक्टर वालों का तो बुरा हाल ही चल रहा है, तो इससे ज्यादा बुरा हाल किन लोगों का हो सकता है? सर इससे ज्यादा बुरा हाल है प्रैक्टिस वालों का। तो प्रैक्टिस वालों का कैसे बुरा हाल है, ये कड़वा सच है, ध्यान से देखना कड़वा सच। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अकाउंटेंट जो होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए क्या? उसमें कुछ डिफरेंस होना ही चाहिए। अकाउंटेंट तो बुक कीपिंग कर रहा है, आपसे दो बातें की वही उसने पटर पटर करके आगे जिसका काम लेकर आया उसके सामने बोल दी, तो सामने वाले को भी लगा कि हाँ जी अकाउंटेंट के अंदर तो दम है, इसको तो नॉलेज बहुत है। अकाउंटेंट वो जिसके सामने बोली है उसको थोड़ी पता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही सीख कर आया है। जो लोग की इंटरप्रिटेशन है, जो सीपीआर होते हैं, सीपीआर होते हैं, उसमें उन्होंने सेमिनार लगाया है, खुद बुक्स जो होती हैं बेयर एरेक्ट परचेज किया है, इधर उधर से प्रिंट निकाला है सर्कुलर का, नोटिफिकेशन का, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस किताबें खरीदी है उसने, खरीदी है इतनी महंगी बुक्स है और उसको पढ़ा है। पढ़ने के बाद वो फ्री में बाबूजी अकाउंटेंट को बताते हैं, अकाउंटेंट आ गए और अकाउंटेंट का लगा कुछ नहीं है। अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी बुक कीपिंग की फीस तो सीधा ले रहा है और जो सीए को काम दे रहा है उसमें भी अच्छी खासी कमीशन खा रहा है, मतलब सीए से ज्यादा आज की डेट में अकाउंटेंट अर्न कर रहा है। बताओ क्या कर लोगे आप? और यहाँ पर फीस की बात करें तो सिंपल आईटीआर की जो फीस है वो 500 रुपए चल रही है, किसी तरह का सर्टिफिकेट बनाना है 1000 से 1500 में सर्टिफिकेट बन रहा है, और ऑडिट रिपोर्ट जो सीएमए डाटा है 1000 रुपए में बना रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 1000 रुपए में बन रही है, उसके अलावा जीएसटी का काम है 300-300 में बन रहा है, जीएसटी का नंबर देना है जी 1500-2000 में नंबर अप्लाई हो रहे हैं। बताओ ये चल रहा है? अगर हम आज की डेट में किसी सोच रहे हैं कि अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि भाई काम कर लें, प्रैक्टिस कर लें सर्विस सेक्टर में, तो चलो ठीक है कि जोर चल ही नहीं सकता क्योंकि देश का जो सिस्टम है वो कॉरपोरेशन चला रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर जो कॉरपोरेट फैमिलीज हैं उनके हाथ में है, तो उनका जो चल रहा है, और जो लोग सेक्टर पीछे से तकड़े हैं जिनके पेरेंट्स के पास भी पैसा अच्छा खासा है, वो छोटे पैकेज में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको घर में पैसा देना नहीं है, उनका घर बना हुआ है, घर में गाड़ी भी है, एसी वाले कमरे भी है, सब कुछ है उनके पास, अगर उनकी ऐश परस्ती में 10-20 हजार कम भी हुआ वो अपने पेरेंट्स से ले लेंगे। लेकिन हम तो हैंड टू माउथ और जीरो से उठने वाले लोग हैं, तो हमें तो अपने काम की, अपने प्रोफेशन की, उसकी डिग्निटी की इतनी रिस्पेक्ट है कि हम काम छोड़ देंगे लेकिन डिग्निटी उसकी बरकरार रखेंगे, तो प्रोफेशन की डिग्निटी है और रिस्पेक्ट है उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि तो जो सर्टिफिकेट सीए ने बनाना है वो सीए ने ही बनाना है, वो कोई और नहीं बना सकता। अगर आपके अंदर यूनिटी होगी तो आप एक अच्छी खासी फीस चार्ज कर सकते हो। आपके पास 60 इनकम टैक्स की ऑडिट है, 20 कंपनीज है जो
कंपनीज 20 बताई हैं वो सीए एक्ट में बताई गई हैं, और इनकम टैक्स का वो 60 ऑडिट आपको दिए गए हैं जो टैक्स ऑडिट होते हैं, उसके अलावा अन्य तरह का काम होता है। तो आप इतना, एक बंदा इतना काम कर ले, कितना मतलब पैसा अर्न कर लेता अच्छी फीस अगर लोगे, लेकिन यहाँ पर तो बुरा हाल चल रहा है, बहुत बुरा हाल। अपने से ज्यादा तो वो क्रिमिनल लॉयर होते हैं ना, सिविल के लॉयर होते हैं, वो एडवांस में पैसा लेते हैं पहले काम करने के लिए, फाइल पढ़ने के चार्जेस ले लेते हैं, कंसल्टेंसी का एक सीटिंग में जाओ दो बातें पूछो 2000 रुपया ले लेते हैं वो, और जो नया वकील बैठा होता है वो भी 1000 रुपया कम से कम ले लेता है, और आप लोगों ने 500 या 1500 से ऊपर तो आप उठ नहीं रहे और घूम रहे हो स्टार सिटी में, कम से कम एक 10 लाख वाली गाड़ी तो मेंटेन करो ऑफिस में आने जाने के लिए, एक ड्राइवर रख लो, अगर खुद चलाने का शौक हो तो 10 लाख की गाड़ी तो हो आपके पास, एक अच्छा सा ऑफिस तो हो, थोड़ा सा स्टाफ मेंबर तो हो आपके पास, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि पता लगे कि ऑफिस खुला है, इधर उधर के लोगों को भी पता लगे भाई ये है सीए प्रोफेशन, इसे बोलते हैं सीए का प्रोफेशन, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है इधर उधर बैठ कर गप्पा मारने का, हम अपनी हेल्थ प्लस अपना प्रोफेशन इसके ऊपर ही फोकस करते हैं, और जहां पर जरूरी है वहां जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा गट्स होनी चाहिए, ऐसा प्रोफेशन मेंटेन करना चाहिए, लेकिन चल क्या रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और कोई भी अननोन नंबर ऐसे कॉल करता है जी ये बता दो जीएसटी में 200 का बिल बनाए के ना बनाए, 100 रुपए का बिल बनाए के ना बनाए, 50 रुपए का गूगल पे आया है जी बिल बनाए के ना बनाए, ऐसी ऐसी तो बातें ये बता देते हैं फोन पे। तो ये तो फीस की बात होगी कि फीस में इतना कम फीस ये चार्ज कर रहे हैं, इतनी कम फीस चार्ज कर रहे हैं ये लोग, और हम सोच रहे हैं कि सीए का ऑफिस अगर मैं सीए का ऑफिस खोल लेता हूँ तो होगा क्या, पहले तो मेरे पास 10 से लेकर 15K का फिक्स एक्सपेंस होगा, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो 1.5 लाख से 2 लाख की होने वाली है, 1.5 लाख से 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और ये सारा खर्चा हमें कवर भी करना है, और हमें वो भी कवर, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हो तो सीए की स्टार्टिंग से पैसा लगना स्टार्ट हुआ था जब तक सीए बन गए, प्लस सीए बनने के बाद जिन लोगों को आपने मिठाई भी खिलाई होगी वो तो सब ऐड कर लो, आपको वो भी कवर करना है, आपको ये भी कवर करना है, आपको जो 7000 रुपया जो हमारा इंस्टीट्यूट लेगा साल का, प्लस आपके जर्नल वगैरह आएंगे जो वीकली क्वार्टरली मंथली जर्नल होंगे, और उसके बाद दो प्रोफेशनल बुक्स रेडी रेकनर वगैरह परचेज करोगे या अन्य तरह का मटेरियल लिटरेचर परचेज करोगे, वो भी कॉस्ट आपको निकालनी है, और एक आधा बंदा भी रखोगे ऐसा झाड़ू मारने के लिए, तो एक कम से कम एक बंदा सुबह शाम आएगा ना, उसका भी 1500 का खर्चा होगा, तो इतना खर्चा आप कहाँ से कवर करोगे अगर आप अच्छी फीस चार्ज करोगे। तो मैं तो कहता हूँ अगर सभी सीए, मैं नहीं, सभी सीए को अच्छी फीस चार्ज करनी चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने 6000 स्टाइपेंड कहा है, आपके पास आर्टिकल है उसको 10000 स्टाइपेंड दो, क्योंकि उसको भी मोटिवेट हो थोड़ा सा, 10000 दे दो, चलो डॉक्टरी वाला तो दे नहीं सकते, मुझे मालूम है कि इन्होंने अपने आपस में कॉम्पिटिशन इतना सीओ ने कर लिया है, और मैं आपको जो मेन बात बताने आया हूँ, प्रैक्टिस में मैंने बताया कितना बुरा हाल है सभी सीएस का, यंग कह लो कुछ कह लो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पुराने हैं मतलब 81, 85, ठीक है 90 से पहले पहले वाले, वो बस अच्छी फीस लेते होंगे, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आने वाली होंगी वो अच्छी फीस लेते होंगे, जिनकी दूसरी पीढ़ी 40-42 साल की होगी या दफ्तर में बैठी है और जिनके घर में 3-4 सी है वो अच्छी फीस लेते होंगे, लेकिन बाकी जो 90 के बाद वाले हैं वो अच्छी फीस चार्ज नहीं करते, 90 से पहले वाले वो अच्छी फीस चार्ज करते हैं, और उनका काम करने का जो स्टाइल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ज्यादा बात नहीं करते, अकाउंटेंट को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाते वो कि हाँ भी आ जाओ बैठो ये करो वो करो ये करो, उसको सीधा बोलते हैं किताबें लेकर आ ये लेकर आ, फिर ऑडिट करेंगे चेकिंग करेंगे ये एंट्री ठीक कर ये कर वैसा कर वरना क्वालिफाई कर देंगे, ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए, सिखाया इतना कुछ जाता लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत बुरा हाल है। तो एक तो ये होगा कि आपका कितना पैसा लगेगा, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की बातें होगी, और प्रैक्टिस में कुछ मैंने ये इंस्टीट्यूट का है 11 फरवरी 2020 तक अपडेटेड है, मतलब
उसके बाद आप देख लो कोरोना आया, ठीक है, मार्च में कोरोना आया था 2020 में, फिर 21 तक चला, फिर इतनी महंगाई हुई, जो हमने पैटीज खाते थे ना 10 रुपए वाली, आज 20 रुपए में मिल रही है, डबल हो गया जी रेट उसका। और उसके बाद आपको मैं एक और सच्चाई बता दूं, एक सीए इतना नहीं कमाता कि अगर फास्ट फूड वाला उसकी दुकान चल रही है ना, वो 30-40 हजार रुपया जो अपनी काट लगाता है वो कमाने लग जाता है। जिसका तो ज्यादा काम चल रहा है वो तो अपने आप को बिजनेसमैन कहता है, इतना अच्छा बिजनेसमैन, वो 1.5 लाख रुपया कमा लेता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया। यकीन नहीं आता तो आप हमारे पास कहीं आना, अगर मेरे पास कहीं काम आएगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उसके पास जो पेमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है। और मुझे मालूम है, एक हेयर ड्रेसर था, वो इतना, उसने 2-3 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट कर दी थी लोगों के बाल काट काट के, और उसकी ये मम जो दाढ़ी है मूछें हैं ये सेट कर करके, और 2-3 दुकानें खोल ली थी उसने। तो मुझे तो ये समझ, अगर एक सीए के देखें, अगर एक सीए जिसको 5-6 साल 10 साल हो गए हैं, और गवर्नमेंट जॉब का पीएन, दोनों की इनकम बराबर होती है भाई साहब, और पीएन हमसे क्या करता है, पीएन की तनख्वाह भी आ रही है, ऊपर नीचे का भी है उसका थोड़ा सा, फिर वो 3 तिहाई पे कहता है जी हम पीएन है बाबूजी, दे दो मुझे बख्शीश, ये वो दे दो, वो कमा लेता है, और लोग दे भी देते हैं। और आप इतना पढ़ लिख कर हम तो किसी कह भी नहीं सकते ना, हमें ये बातें अच्छी लगती है, हमारे प्रोफेशन को अच्छी लगती है, हमें तो सिर्फ अपनी फीस ही इतनी लेनी है कि हमें इधर उधर देखना ही ना पड़े, हमारी अच्छी फीस होनी चाहिए। तो मैं आपको फीस के बारे में बता रहा हूँ, कुछ मैंने नोट किया है, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये जो मैंने निकाला है इंस्टीट्यूट का, ये जो टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट आता है उसके बीच में ये डाल रखा है, अपेंडिक्स 9 है, 9.23 करके, और 333 पेज नंबर पर आपको मिलेगा। तो इसमें जैसे कि पार्टनरशिप डीड है, तो इसमें बताया है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीन तरह की सीटी, इसमें फीस क्या होनी चाहिए, 15,000 10,000 और 8,000। ये रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्लेमर ये है कि रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है। 15, 10 और 8, और पार्टनरशिप डीड की फीस लेते कितनी, ये फीस चल रही है, देख लो जी, देख लो ध्यान से देख लो, 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक का फीस चार्ज कर रहे, प्रैक्टिकल है। उसके बाद इसको रजिस्टर कराने के अलग से पैसे हैं कुछ है, ठीक है, सप्लीमेंट्री डीड आप बनाते हैं तो 6,000 रुपया कम से कम लेना चाहिए, तो रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, पहले सुन लो, रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमें यह है कि रिकमेंडेशन के आसपास तो हम कहीं ना कहीं सज रहे, तो बहुत बुरा हाल है। इनकम टैक्स की रिटर्न के 4,000 रुपया होना चाहिए, होना ही चाहिए। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था 2012 में, एक सीए के साहब के पास मैं काम करने लग गया था, वहां पर मैं चाय पानी भी पिलाता था, अकाउंटिंग मैंने बुक कीपिंग सीख रखी थी, मैं प्रॉपर लॉ सीखने वहां पर गया था, और मुझे भी लगने के बाद पता लगा कि अकाउंटिंग तो मुझे आती है, बुक कीपिंग मैं तो वैट का इनकम टैक्स का सर्विस टैक्स एक्साइज होता था, तब वो काम सीखने जा रहा हूँ, तब 500 रुपया रिटर्न चलती थी इनकम टैक्स की, और 10 साल हो गए, 10 से कि 11 साल हो गया, 2024 है, तो 2000 मैं आपको 12 की बात बता रहा हूँ, तो 22, 23, 24 12 से 12 साल चल रहा है, तो आज की डेट में इनकम टैक्स की फीस 4,000 तो कम से कम होनी ही चाहिए, जो रिटर्न की फीस है, लेकिन 500 रुपये में वो भरी जाती है। और उसके बाद टीडीएस रिटर्न की बात करें तो 2,000 रुपया रिटर्न होनी ही चाहिए, लेकिन वो भी 700-750 हजार तक उसके फीस चल रही है। और उसके बाद टैक्स ऑडिट की बात करें तो 22,000 रुपया मिनिमम होना ही चाहिए, वो भी 8-10 हजार के बीच में सिमट जाता है। तो उसके बाद जो मैंने नोट किया हुआ है, सीएमए डाटा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बुक कीपिंग है, तो वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है जितना टाइम स्पेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर फीस लेनी चाहिए। तो बातें वही है कि आपको जीएसटी की फीस देख लो, रजिस्ट्रेशन का 10,000 होना ही चाहिए कम से कम, लेकिन वही 5,000-4,000 रुपया चल रहा है मार्केट में, और कंसल्टेंसी की फीस अलग से, एडवाइजरी सब कुछ लिखा हुआ है कि उसकी फीस अलग से होनी ही चाहिए। मतलब मैं आपको आज बता देता हूँ कि आप सीए हो तो आपको इन बातों का कम, क्या पता कुछ लोग रखते भी होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है, तो
तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात डिस्कशन करूंगा कि इतनी कम फीस आप ले रहे हो, कम से कम रिकमेंडेड फीस के आसपास तो ले लो, कम से कम मेरे भाई आपस में तो कंपटीशन मत करो। आपके पास 60 ऑडिट है तो आप छोड़ दो, क्यों ले रहे हो? फिर आप ढूंढ रहे हो कि इधर उधर से कुछ यंग सीए मिल जाए कि आप उससे सिग्नेचर करवा लेंगे, तो ऐसा तो मत करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे बेनती करता हूँ कि सभी को मौका मिलना चाहिए, प्रोफेशन को हमें आगे लेकर जाना है, तो ये हाथ जोड़कर आप सभी से बेनती है। सर्विस सेक्टर में भी रिफॉर्म्स चाहिए कि जो सीए आए उनको अच्छा मोटिवेशन मिले, उनको मौके तो दे आप। वो इम्प्रूव करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर उसने सीए किया, हार्डवर्क किया है, वो पैसा कमाने के लिए भी इम्प्रूव करेगा। और तो दूसरा, प्रैक्टिस में भी एक अच्छी यूनिटी बनाया हो, और सीए सेफ्टी और प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि आज ही मैं पता नहीं बेंगलोर की एक न्यूज़ देख रहा था कि उसमें एक सीए अपने डेट क्लियर करने के लिए किडनी सेल करता पकड़ा गया, और मात्र 6.5 लाख की बात थी। तो अगर आप अपने प्रोफेशन में इतने अच्छे होंगे तो आपको क्या ऐसी बातों काम करने की जरूरत पड़ेगी? तो 2-3 साल पहले जब जीएसटी के बाद देखा था कि एक लड़की राजस्थान की, उसको सजा हुई थी कि उसने कुछ जीएसटी में कुछ किया था। तो ऐसे काम इसलिए पता नहीं वो करते क्यों है, वो आवाज क्यों नहीं उठाते। जैसे आज की डेट में मैं गलत काम नहीं करूंगा, कम पैसों में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा। सोशल मीडिया है, राइट टू स्पीक सभी को है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और ये बातें हमारे काउंसिल मेंबर्स की तरफ और प्रेसिडेंट के पास पहुंचनी ही चाहिए कि रिफॉर्म्स अच्छे लेकर आ रहे हो, एग्जामिनेशन में आपने रिफॉर्म्स अच्छे कर दिए हैं, स्टडी में आप जो आपके मॉड्यूल में पहले इतनी गड़बड़ होती थी, वो आप जो हमारे अच्छे फैकल्टीज हैं उनकी जो आवाज सुनी गई है, जो उनको सुना गया है, क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, या फिर भी आप कुछ कर देते हो वो भी अच्छा, मतलब रोल प्ले करते हैं आपके अगेंस्ट आपको बताने के लिए, क्योंकि प्यार से कोई सुन नहीं रहा तो प्रोटेस्ट चालू हो जाती है। और सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्ट आप पार्लियामेंट में एक अच्छा एक्ट बनवाएंगे, और आप उस एक्ट में जो भी हो उसकी पावर्स ना तो किसी कॉर्पोरेट पास होनी चाहिए, ना किसी अन्य व्यक्ति के पास, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होनी चाहिए कि वो जितना काम करेगा उस अकॉर्डिंग पैसा लेगा। और आप खुद भी एक अच्छी इंडिपेंडेंस मेंटेन करिए, 60 ऑडिट से ज्यादा आप काम ना पकड़े। क्यों अपनी इतनी हेल्थ खराब करते हो? कल को बाईपास सर्जरी, बीपी, शुगर इधर उधर की आप मेडिसिन खाते हो, आपके पास अगर पार्टनर ज्यादा है तो आप उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। मतलब जो एक कोड ऑफ कंडक्ट हमारे लिए बना है वो कुछ सोचकर ही बना है ना, जो 40-50 बंदे बैठे हैं उन्होंने सोचकर ही बनाया है। तो उस अकॉर्डिंग हम अगर काम करें तो हमारी हेल्थ भी ठीक होगी और हमारी वेल्थ क्रिएशन भी अच्छी होगी, और हम लोगों को भी वेल्थ क्रिएशन के अच्छे जो एडवाइस है, कंसल्टेंसी है देंगे, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी भी तरक्की होगी और सीए के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रोजगार मिलेगा। और सरकार भी जो टैक्स लेती है उसकी भी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उस टैक्स की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है। बजट में तो ये होता है कि लगेगा कहाँ लगा वो भी पता होना चाहिए लोगों को, तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो जिससे कि देश का भी अच्छा विकास हो और आपका भी अच्छा विकास हो। चलो तो गवर्नमेंट वाली बातें आप साइड में छोड़ दो, वो हमारे बस में है ही नहीं, वो किसी के बस में नहीं है। वहां पर कोई भी गवर्नमेंट आए, रूलिंग पार्टी कोई भी हो, स्टेट में कोई भी रूलिंग पार्टी हो, सेंटर में कुछ भी हो, लेकिन बात हम आज प्रोफेशन की कर रहे हैं, तो प्रोफेशन में आपस में कंपटीशन ना करें। सीए सीए होता है, एक बात ये रखें, मौका दें इम्प्रूव करने का, सर्विस सेक्टर में भी अच्छे रिफॉर्म्स आए, प्रैक्टिस में भी अच्छे रिफॉर्म्स आए, अच्छी फीस चार्ज करें। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर हम मान लें कि हम किसी का ऑडिट करते हैं, तो अगर हम ऑडिट करें तो अच्छा इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, तो ऑडिट वाले को पहले कह दें कि ऑडिट फीस इतनी रहने वाली है, ऑडिट की जो फीस होगी, जो हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे प्लस उसके साथ एक हम फॉर्म जो इनकम टैक्स में फाइल करते हैं उसकी इतनी फीस रहने वाली, इसकी फीस अलग से बताए, इसकी फीस अलग से बताए। उसके बाद अगर आप आईटीआर भी साथ में कुछ कर दें तो उसकी फीस अलग से बताए। फिर अगर आप वहां उसकी साइट में विजिट करते हो, वो विजिटिंग चार्जेस आपको लेने चाहिए। उसके बाद आपको अगर 3 कॉपीज आप उसको देते हो, अगर आप 3 कॉपीज देते हो, उसके अलावा अलग से अगर कॉपीज लेता है 500 रुपया अलग से चार्ज करो,
क्योंकि आपका इंक लग रहा है, आपका पेपर लग रहा है, आपकी बिजली लग रही है, आपका प्रिंटर लग रहा है, आपने जो कंप्यूटर में कमांड दिया सब कुछ आपका यूज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका हैंड यूज हुआ, आपकी इंक यूज हुई है, आपने साइन की है उसके ऊपर, ये सब लग रहा है आपका। आप फ्री में उसको दे 500 रुपये चार्ज करो, 500 लो, 1000 लो, जैसा भी हो। और उसके अलावा अगर आपके जो आर्टिकल्स हैं जो आपके पास काम करते हैं वो जाते हैं, उसका लंच का खर्चा, टी का खर्चा, उससे बात करो कि भाई इनको लंच टी प्रोवाइड करो और इनको कन्वेंस फैसिलिटी दो कि अगर वहां से कहां से इनको पिक करना है कहां से नहीं करना है। तो ऐसे आप क्यों अपने माइंड के ऊपर इतना बर्डन डालते हो, बाउजी बाउजी करके लोगों को सिर पर चढ़ा रहे, आप उनका काम कर दे, उनसे अच्छी फीस लो, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देनी चाहिए, क्वालिफाई करो और अपनी जो प्रॉपर ड्यूटी है, रोल है, ऑडिटर का प्ले करो। क्या कंसल्टेंसी है वहां पर, अपनी सिटिंग चार्जेस लो, वन टाइम सिटिंग चार्जेस आप चार्ज करो, जो भी अननोन पर्सन आपके पास आया, किसी की रेफरेंस आता है, आप 1000 2000 रुपया कंसल्टेंसी चार्जेस लो, इनकम टैक्स के लो, जीएसटी कुछ भी हो कंसल्टेंसी वो आप लो। अगर वो साल की कंसल्टेंसी है तो साल की कंसल्टेंसी का अलग से पैसे होना चाहिए, जिससे कि कंपटीशन कंपटीशन सीए में आपस में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीए में कंपटीशन होगा तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है, कंपटीशन आपस में होना ही नहीं चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इतने बताने आया था कि कैसे काम करने चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो आप कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत। और आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपस में कंपटीशन ना हो, प्रॉपर इंडिपेंडेंस मेंटेन करें, एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करें और वेल्थ क्रिएशन आपकी अच्छी हो। जय हिंद जय भारत।